नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, कैपस्टोन एक ऐसा क्यूब सेट है, महज 55 पाउंड के करीब का है, और अगर आप देखें तो एक माइक्रोवेव ओवन से भी छोटा साइज का है। एक क्यूब सेट है और इसको नासा ने लॉन्च किया है। अब क्यूब सेट पर इतना क्यों हो हल्ला हो रहा है दोस्तों? ये मून के तरफ लॉन्च किया गया और एक एक यूनिक ऑर्बिट में मून के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला है। और अगर आप देखें तो ये क्यूब सेट एक टेस्ट है। अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ तो कल को मून में इसी प्रकार से नासा एक गेटवे डेवलप करेगा, जहां पे कल को मून में जाने वाले जितने भी यात्री होंगे वो यहीं पर रुकेंगे और वहां से मून पर जाएंगे, या फिर फर्दर एक्सप्लोरेशन में कल को मार्स जाना हुआ तो वो एक गेटवे, समझ लीजिए एक प्रकार के गेस्ट हाउस का काम करेगा। तो उसी की टेस्टिंग हो रही है और इसके साथ चांद पर जाने के लिए नासा ने पहला कदम रख दिया है। आर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत चांद पर जाना है, उसका पहला कदम ये कैपस्टोन क्यूब सैट है। तो दोस्तों, एक यूनिक लूनर ऑर्बिट है और वो फ्यूचर मिशंस के लिए टेस्ट होने वाला है। आइए इसी को अब डिटेल में हम समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर प्रीलिम्स में सवाल आने की गुंजाइश काफी ज्यादा है, मेंस में भी सवाल बन सकता है। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर पर। तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें, इसके सिवा आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ मेरी स्पेशल क्लास 4 से 6 होती है शाम को, जिसमें हम निकालो प्रीलिम्स 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मंथ वाइज करंट अफेयर्स, स्टैटिक टॉपिक्स दोनों को यहाँ पे कवर किया जाता है, तो आपकी प्रिपरेशन रॉक सॉलिड होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें जरूर जुड़े यूजिंग दी कोड KC10। इसके सिवा अपन अकेडमी सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं यूजिंग दी कोड KC10 तो आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी, ऑप्शनल आंसर राइटिंग में मदद मिलेगी। जब भी आप एक साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकन या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग दी कोड KC10, तो याद रखिएगा यूज दिस कोड एंड गेट माई मेंटरशिप। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में अगर आप देखें तो नासा ने वेडनेसडे को एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है कैपस्टोन। कैपस्टोन का फुल फॉर्म देखें तो क्या है? सिस लूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, नाम से ही आपको कुछ पता चल रहा है, पोजिशनिंग सिस्टम, कुछ पोजिशनिंग सिस्टम जैसा है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसा अर्थ में यूज करते हैं, कुछ वैसा ही पोजिशनिंग सिस्टम जरूर होगा इसमें। तो क्या है ये, अभी हम समझेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में दोस्तों, नासा मून में जाने के लिए पहला कदम इसके साथ रख दिया गया है और ये फ्यूचर में एक गेटवे का काम करेगा। यदि ये सक्सेसफुल हुआ तो वहां पे एक गेटवे भी, इसी प्रकार का हम बड़ा सा एक सैटेलाइट वहां पर डिप्लॉय करने वाले हैं, जो कि मून ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट होगा, जो कि नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा सहायक होने वाला है। तो ये प्रोग्राम अगर आप देखें तो लूनर मिशंस के लिए एक न्यू इंसाइट हमको दिलाने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो एक इसकी ऑर्बिट जो है बड़ी यूनिक सी है। ये क्यूब सैट है, 55 पाउंड से भी कम वजन है, एक माइक्रोवेव ओवन के साइज का है, और अगर आप देखें तो एक यूनिक एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये मून के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं दोस्तों, तो ये अर्थ है, ये मून है, और ये देखिए कैपस्टोन की कैसी ऑर्बिट है, जिसमें अगर आप देखें तो ये चक्कर लगा रहा है मून के। तो इस ऑर्बिट में सबसे पहले अगर आप देखें तो इसी को टेस्ट किया जा रहा है कैपस्टोन के द्वारा। तो कल को अगर आप देखें तो इनोवेटिव नेविगेशन टेक्नोलॉजी की जब आवश्यकता होगी तो उसमें इस कैपस्टोन का बड़ा इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो यूनिक हेलो शेप्ड ऑर्बिट है जिसमें कल को हम एक्चुअल गेटवे डिप्लॉय करेंगे, एक बड़ा सा आप देखें आउटपोस्ट होने वाला है, एक बड़ी सैटेलाइट यहां पर होगी, तो उसके लिए इस फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट के लिए अगर आप देखें तो कितना स्टेबल है ये पर्टिकुलर ऑर्बिट, इसकी टेस्टिंग की जाएगी। जो टेस्ट करेगा, वेरीफाई करेगा कितनी ऑर्बिटल स्टेबिलिटी है, और अगर ये स्टेबल निकला तो नासा यहाँ पे एक प्रॉपर सैटेलाइट कल को लॉन्च करेगी, जो कि आउटपोस्ट होगा मून में जाने के लिए, समझ लीजिए एक गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस टाइप का काम करेगा, जहां से मून में फर्दर एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। तो दोस्तों, एक स्मॉल स्पेस स्टेशन है, लूनर गेटवे जो कि प्लान्ड है, एक स्मॉल स्पेस स्टेशन होगा, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के ऊपर है, कुछ वैसे ही मून के ऊपर एक स्मॉल स्पेस स्टेशन होगा जो इस प्रकार के ऑर्बिट में मून के चारों तरफ घूमेगा। एंड ये अगर आप देखें तो एक सोलर पावर्ड कम्युनिकेशन हब होगा, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि मून में और भी जब इंसान जाएंगे, और भी इसके सिवा जब हमारे बहुत सारे रोवर्स वहां पर काम करेंगे, तो उनके लिए कम्युनिकेशन के लिए ये एक हब का काम करेगा, एंड इस प्रकार से एक साइंस लैबोरेटरी का भी काम करेगा, एक हैबिटेशन मॉड्यूल होगा, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर रुक सकेंगे और फिर आगे गवर्नमेंट एजेंसी एंड एस्ट्रोनॉट्स जो भी उनके जा रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसी एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, वो यहाँ पर रुक सकेंगे और फिर मून में लैंड कर सकेंगे। तो क्यूब सैट क्या होता है, जो कि आप देखें तो कैपस्टोन है, तो ये अगर आप देखें तो स्मॉल साइज के सैटेलाइट्स होते हैं,
एंड इनको फैब्रिकेट करना इजियर होता है, सस्ता होता है, यूजुअली इनको इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप देखें तो इनके जो इस्तेमाल अगर आप देखें तो इंटरनेशनल बहुत कम वजन होता है, 2 kg से भी कम होता है. एंड ये सेकेंडरी पेलोड्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं. एंड इनका यूज होता है रिमोट सेंसिंग में मेजरली, एंड कुछ हद तक कम्युनिकेशन या फिर कॉलेज प्रोजेक्ट्स में भी यूज करते हैं. बाकी आप इसको डेप्थ में पढ़ सकते हैं यहाँ पे. तो दोस्तों वापस अगर हम देखें तो कैपस्टोन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि ये जो सिस लूनर जो रेक्टिलिनियर हैलो ऑर्बिट है जो आपने यहाँ पर देखा, इस सिस लूनर रेक्टिलिनियर हैलो ऑर्बिट को टेस्ट करना कि क्या यहाँ पे फ्यूचर में कल को जो हमें स्पेसक्राफ्ट लगाना है क्या वो यहाँ पे डिप्लॉय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. तो और कल को जब स्पेसक्राफ्ट टू स्पेसक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम काम आएगा तो उसमें ये एक रिले एंटीना की तरह यूज किया जाएगा, तो एक हब का काम करेगा. तो इस प्रकार से जो स्पेसक्राफ्ट टू स्पेसक्राफ्ट नेविगेशन होगी उसमें ये आउटपोस्ट भी यूज किया जाएगा. तो अर्थ पे रिलायंस नहीं रहेगी विद रिस्पेक्ट टू स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेशन. इसके सिवा जो कमर्शियल सपोर्ट है फ्यूचर लूनर ऑपरेशंस के लिए उसमें भी ये काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है. एंड जो हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे इस क्यूबसैट से वो फर्दर इस्तेमाल किया जाएगा सबसे इंपॉर्टेंटली आर्टेमिस मिशन में. तो दोस्तों नासा का जो आर्टेमिस मिशन है इसके द्वारा मून के साउथ पोल में बाई 2025 इंसान को हमें पहुंचाना है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को वापस से यहां पर लाना है. तो अगर आप देखें तो ह्यूमंस वापस मून में जाने वाले हैं आफ्टर अपोलो 17 मिशन जो कि 50 साल पहले लास्ट गए थे. तो ये एक मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होगा बिटवीन गवर्नमेंटल एजेंसीज, स्पेस एजेंसीज, प्राइवेट स्पेस फ्लाइट कंपनीज, इन सब के बीच में होगा. और इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में आर्टेमिस मिशन पे एक लेक्चर कवर किया है, तो आप चाहें तो वहां पर पढ़ सकते हैं. बहुत डेप्थ में मैंने आर्टेमिस मिशन को कवर किया है. तो सबसे इंपॉर्टेंटली दोस्तों आर्टेमिस मिशन का पर्पस है मून में ह्यूमन डिप्लॉयमेंट, मून में ह्यूमंस को वापस लाना, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन शुरू करना, ह्यूमन लैंडिंग करानी, और कल को मार्स एंड बियॉन्ड को भी जो सपना है हमारा उसे भी ह्यूमन मिशन वहां पर पहुंचाना और उसे भी फिजिबल बनाना. तो यहाँ पर दोस्तों एक नया एडिशन है जो आपको बता देता हूँ. तो एक स्पेस लॉन्च सिस्टम है जो कि नासा डेवलप कर रही है. तो स्पेस शटल डिराइव्ड लॉन्च व्हीकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, SLS कहते हैं इसको. ये अगर आप देखें तो सुपर हैवी लिफ्ट एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल है जो नासा बना रही है. नासा का कहना है ये मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है आज तक का जो वो बना रही है, और इसी को इस्तेमाल किया जाएगा आर्टेमिस में जब इंसानों को ले करके जाएंगे हम मून पर, तो इसमें इसी लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे. तो SLS क्या है आप याद रखिएगा, ये Ares-1, Ares-5 लॉन्च व्हीकल्स को रिप्लेस कर देगी विथ रिस्पेक्ट टू नासा. अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज़ कोड KC10, क्योंकि जब भी आप कोड यूज करेंगे एक साल या उससे अधिक के प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में तो आपको मेरे द्वारा एश्योरेंस मिलती है हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप की. तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज करें एंड मेरे द्वारा मेंटरशिप पाएंगे डायरेक्टली मेरे द्वारा, कोई इंटरमीडियरी नहीं, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं. इसके सिवा दोस्तों आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें तो एक साल की इसकी कीमत है 51,470 रुपीज, और एक साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कीमत है 70,394 रुपीज. ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके सिवा अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो 1.5 साल की है 18 महीने की उसकी कीमत है प्लस कॉम्बो की 70,287 रुपीज. इसमें GS भी है, ऑप्शनल भी है. और अगर आप कॉम्बो आइकनिक लेते हैं तो इसकी कीमत है 88,344 रुपीज, इसमें भी GS भी है और ऑप्शनल भी है. तो ये दोनों तब है दोस्तों जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके सिवा अगर अपन अकेडमी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक साल की कीमत है 27,215 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10. इसके सिवा मेरे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, निकालो प्रीलिम्स 2023 4 PM to 6 PM, उसमें जरूर जुड़ें सो दैट आप प्रीलिम्स रेडी हो सकें 2023 के लिए मजबूती पा सकें. इसके सिवा UPSC CGS कॉम्बैट है इस संडे को, तो इसका हिस्सा जरूर बने. स्कॉलरशिप है 4 करोड़ तक की, तो इसका फायदा आप जरूर उठा सकते हैं. 60 मिनट में 50 सवाल होने वाले हैं. इसके सिवा UPSC CSE टेस्ट सीरीज है जिसमें भी आप जुड़ सकते हैं यूजिंग द कोड KC10. आप मेंस टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज दोनों में ही जुड़ सकते हैं, यूज द कोड KC10 फॉर सब्सक्रिप्शन. इसके सिवा CSE अश्योर प्रोग्राम है, जब भी आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अगर मन मुताबिक रिजल्ट 2 साल के सब्सक्रिप्शन के बाद भी ना मिले तो आपको 1 ईयर एक्सटेंशन मिलता है. इसके सिवा अनअकैडमी में वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, अनलिमिटेड व्यू ऑन लेक्चर्स है, लाइव मेंटरशिप आपको मिलती है. इसके सिवा 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है, इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं. ऑप्शनल कार्निवल भी हमने स्टार्ट किया है, कई बैचेस हैं ऑप्शनल के जिनमें हम आपको नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनमें आप जुड़ सकते हैं. यूज द कोड KC10 एंड गेट 20% ऑफ, बस कुछ दिनों के लिए आपको मिल रहा है. इसके सिवा UPSC बैचेस है, जुलाई 6, 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं, इनका फायदा आप जरूर उठाएं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे.